अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना और केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय युवा इतिहासकार संगोष्ठी का कुल्लू के महादेवी तीर्थ परिसर में शुभारंभ किया गया। संगोष्ठी का विषय भारतीय इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां और नवीन आयाम है। संगोष्ठी में देशभर से 250 युवा इतिहासकार अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इस संगोष्ठी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे ने बताया कि यह युवा इतिहासकारों की 7वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी है। उन्हें बताया कि संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य इतिहास में जो त्रुटियां हैं उन्हें दुरुस्त करना है। कहा कि देश के जो युवा इतिहासकार हैं उनके मन में जो प्रश्न है कि भारत का इतिहास क्यों विकृत किया गया, अगर विकृत किया गया तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो संदर्भों के माध्यम से, शोध पत्रों के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से भारत के इतिहास को नए आयाम में, भारत को स्वाभिमान देने वाला इतिहास हमारे सामने कैसे आए, इसके लिए हम प्रतिवर्ष युवाओं का एक संगोष्ठी करते हैं। इसके अलावा भी छोटे मोटे कार्यक्रमों में उनके साथ रहते हैं, लेकिन अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का अखिल भारतीय युवा इतिहासकार सम्मेलन इसलिए फ्रूटफुल है कि इसके माध्यम से जो नए आयाम, नए शोध आ रहे हैं उसके आधार पर भारत का इतिहास हमारे सामने आए, ताकि किसी भी कारण से जो इतिहास को डिस्टॉर्ट किया गया है वो डिस्टॉर्शन दूर होकर के भारत का इतिहास भारतीय चेतना के प्रकाश में, भारत के स्वाभिमान के लिए क्लासरूम और क्लासरूम से बाहर भी समाज के सामने आए। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना समिति के प्रांत अध्यक्ष सूरज ठाकुर ने बताया कि संगोष्ठी में करीब 200 शोध पत्र पढ़े जाएंगे और यहां पहुंचे देश भर के इतिहासकारों को स्थानीय संस्कृति से भी रूबरू करवाया जाएगा। युवा इतिहासकार का राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रहा है, इसमें देश भर के 17 प्रांतों के 250 से अधिक विद्वान प्रोफेसर शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि आज के संदर्भ में भारत का सही इतिहास जो सामने आना चाहिए उस पर ही आमंत्रण किया जाएगा दो दिवसीय संगोष्ठी में, और उससे जो अच्छी बातें निकलेंगी, देश हित में निकलेंगी, समाज हित में निकलेंगी, वो इसमें सामने प्रकट होंगी।